नमस्कार, टीवी इंडिया के खास बुलेटिन खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरें। पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन अभियान की शुरुआत कर दी। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में इतना विशाल और व्यापक स्तर पर कोई भी टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया। दुनिया भर में 100 से अधिक देश हैं जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ से भी कम है। वहीं भारत टीकाकरण के पहले चरण में 3 करोड़ नागरिकों को टीका लगाने जा रहा है। दूसरे चरण में 30 करोड़ नागरिकों को वैक्सीन देने की तैयारी है। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि वैक्सीन की 2 डोज लगानी जरूरी है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की कोताही न बरतें। उन्होंने नारा दोहराया कि अब दवाई के साथ कड़ाई भी रखनी है। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे ने आज जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकवाद पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा के पार आतंकी शिविरों में प्रशिक्षण ले चुके तकरीबन 300 से 400 आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की फिराक में हैं, लेकिन भारतीय सेना हर तरह से मुस्तैद है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत के सक्रिय अभियानों एवं मजबूत आतंकवाद निरोधक गिट ने न केवल दुश्मनों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है, बल्कि घुसपैठ के प्रयासों पर भी काबू पाया है। उन्होंने कहा कि सेना ने पिछले साल आतंकवाद निरोधक अभियानों में नियंत्रण रेखा पर 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन उपायों से जम्मू कश्मीर की जनता को आतंकवाद से राहत मिली है। भारतीय सेना हमेशा की तरह अपने सैनिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। 2019 में हमने नेक्स्ट ऑफ किन पर खास ध्यान दिया ताकि हमारे जवान अपने प्राथमिक कार्य पर ध्यान दे सकें और आश्वस्त होकर उनके नेक्स्ट ऑफ किन हमेशा हमारी प्रायोरिटी रहेंगे। हम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्रालय के आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन तेज कर दिया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री देश के किसानों की इज्जत नहीं करते और बार बार बातचीत के जरिए किसानों को थकाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल कुछ पूंजीपतियों के पास है। वहीं कांग्रेस के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया और राजभवनों का घेराव किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में स्कीप अप फॉर किसान अधिकार हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान भी चलाया है। जो 3 कानून हैं, ये किसान को खत्म करने के कानून है। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया, ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा, भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं, ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है, और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए गुजरात कैडर के रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी ने विधान परिषद का टिकट थमा दिया है। अरविंद कुमार शर्मा उत्तर प्रदेश की 12 विधान परिषद सीटों पर होने वाले चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर जल्द नामांकन भरने वाले हैं। माना जा रहा है कि उन्हें राज्य का मंत्री भी बनाया जा सकता है। हालांकि खुद पूर्व आईएएस अधिकारी शर्मा ने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी सौंपेगी वे पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करेंगे। अरविंद शर्मा पीएम मोदी के नज़दीकियों के कारण भी कुछ सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि वे मंत्री बनेंगे या नहीं, इसे लेकर बीजेपी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बीच टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने भाजपा के खिलाफ बड़ा हमला बोला।
नुसरत जहां ने कहा कि भाजपा कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है और अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो इससे मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ेंगे। नुसरत जहां ने यहां तक कह दिया कि भाजपा सत्ता में आई तो मुस्लिमों के उल्टे दिन शुरू हो जाएंगे। टीएमसी सांसद यहां 24 परगना के एक मुस्लिम बाहुल इलाके देवगंग में चुनाव प्रचार के दौरान बोल रही थी। नुसरत ने कहा, आप लोग अपनी आँख खोल कर रखिए, भाजपा जैसा खतरनाक वायरस घूम रहा है। यह पार्टी धर्म के बीच भेदभाव और आदमी आदमी के बीच दंगा कराती है। अगर भाजपा सत्ता में आई तो मुसलमानों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता का आज सुबह कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। कुणाल पांड्या बड़ौदा के लिए सैयद मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में खेल रहे थे। पिता के निधन पर समाचार मिलते ही कुणाल पांड्या अपने घर के लिए रवाना हो गए। बड़ौदा के कप्तान कुणाल पांड्या ने अपने परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में साथ रहने के लिए टीम का बायो बबल छोड़ दिया है। अब कुणाल पांड्या सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में आगे टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं रहेंगे। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के CEO शिशिर ने मीडिया को बताया कि एसोसिएशन हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या के पिता के निधन पर शोक में है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब बदलाव के लिए तैयार हो गया है। भारत समेत कई देश लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र संघ की नीति और कार्यप्रणाली में बदलाव की मांग करते आ रहे हैं, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बेजगिर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की प्रक्रिया को लेकर अंतर सरकारी वार्ताएं इस महीने के अंत में फिर शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के साथ उसकी कार्यप्रणाली में भी 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुसार बदलाव होने चाहिए। आपको बताते चले कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू हो चुका है और वह संयुक्त राष्ट्र के इस 15 सदस्य शक्तिशाली अंग में सुधार के लिए लंबे समय से आवाज उठाता रहा है। भारत का कहना है कि वह परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने का हकदार है और मौजूदा स्वरूप के तहत सुरक्षा परिषद 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अमेरिका में अपनी विदाई से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को झटके पर झटका देते जा रहे हैं। ताजा फैसले में डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्मार्टफोन मेकर कंपनी Xiaomi के साथ ही 8 और कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस ब्लैकलिस्ट में Xiaomi के अलावा प्लेन मेकर कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ चाइना समेत 7 कंपनियां शामिल हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि 9 प्रतिबंधित चीनी कंपनियों के चीनी सेना से संबंध है या फिर उन पर चीनी सेना का नियंत्रण है। वहीं अमेरिका के इस कदम के बाद सुबह Xiaomi के शेयर में 11% की गिरावट देखी गई। बता दें कि Xiaomi चीन की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है। कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने की खुशी में आज मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी विधायक राम कदम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहाँ कोरोना वायरस का पुतला जलाया और कोविड खत्म होने का नारा देते हुए एक दूसरे को बधाई दी। विधायक राम कदम ने कहा कि आज का दिन देशवासियों के लिए उत्साह और गौरव का दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज मुंबई के BKC ग्राउंड में कोरोना वैक्सीन लॉन्च की। इस अवसर पर उनके साथ मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीन के लिए मुंबई में 40 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पहले चरण में करीब 4,000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीन के 285 बूथ बनाए गए हैं, जहां सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगाई जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं आपको फिर कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।